नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और एनडीए 125 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन 110 सीट ही जीत पाई। बिहार चुनाव में इस बार एनडीए की जीत के सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और मोदी मैजिक ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ दिया। चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली और राजद ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उनकी सहयोगी कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 फैक्टर जिसकी वजह से एनडीए को चुनाव में बढ़त मिली। सीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार। बिहार चुनाव में एनडीए के जीत की सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार का चेहरा रहा। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के विरोध में तमाम पैंतरे किए, लेकिन बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि जदयू को कम या ज्यादा चाहे जितनी सीटें मिले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पीएम मोदी ने भी बिहार में कई चुनावी सभाएं की, उसका फायदा भी एनडीए को मिला। नीतीश कुमार का विकास मॉडल। एनडीए की जीत का एक बड़ा कारण नीतीश कुमार का विकास मॉडल भी रहा। युवाओं और महिलाओं का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता और विकास मित्र के रूप में नीतीश कुमार ने गांव-गांव में बड़ा नेटवर्क बना लिया और अपनी हर चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार इसका जिक्र भी करते रहे। विरोधियों का कमजोर पक्ष। बिहार चुनाव में टक्कर दे रहे प्रतिद्वंदी की कमजोरी भी काम आई। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही खींचतान चल रही थी। पहले सहयोगी रहे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से निकल गए। फिर वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी को भरी सभा में छोड़ दिया। वहीं बाद में महागठबंधन में कांग्रेस को उसकी हैसियत से ज्यादा सीटें दी गई, ये भी एक बड़ा कारण रहा। एनडीए के साइलेंट वोटरों ने भी पलटी बाजी। एनडीए की जीत में बिहार के साइलेंट वोटरों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। साइलेंट यानी कि पर्दे के पीछे रहने वाले मतदाता। एग्जिट पोल के दौरान भले ही एनडीए पीछे और महागठबंधन काफी आगे नजर आ रहा था, लेकिन वोटिंग के बाद नीतीश कुमार के समर्थन में साइलेंट वोटर फैक्टर भी काम आ गया। बिहार में शराबबंदी के बाद से नीतीश कुमार को यहां की महिलाओं का खूब समर्थन मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी महिलाओं ने बिना किसी शोर शराबे के नीतीश कुमार के समर्थन में अपना वोट डाल दिया। तेजस्वी के बयान से भड़के सवर्ण वोटर। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का भड़काऊ भाषण भी एनडीए को फायदा पहुंचा गया। दरअसल तेजस्वी यादव ने देहरी के चुनावी सभा में भाषण के दौरान लोगों को लालू राज की याद दिलाई थी और अपने समर्थकों को समझाते हुए कहा था कि बाबू साहबों के सामने गरीब लोग सीना तान चलते थे, इससे उनके खिलाफ सवर्णों का गुस्सा भी भड़क गया। नतीजा सामने है। महागठबंधन और एनडीए के बीच हुए मुकाबले में एनडीए अब सरकार बनाने की ओर कवायदरत है, तो वही महागठबंधन अब सिर्फ आरोपों के सहारे है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, हम आपको हर पल की खबर देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।